हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET कोडर क्लूज। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ व्हाट इज SQL सिंटैक्स। SQL सिंटैक्स है क्या? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो SQL follows some unique set of rules called syntax. SQL प्रत्येक जो है every language जो है एक unique set of rules को follow करता है through which we can understand the common thing and we can follow the common rules towards the language. तो SQL follows some unique set of rules called syntax. तो syntax किसको कहते हैं? Some common set of rules SQL follow करता है जिसे हम लोग syntax कहते हैं। Here we are providing all the basic SQL syntax. हम नीचे आपको कुछ basic SQL syntax जो है बताने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला first point है SQL keywords are not case sensitive. SQL के कीवर्ड्स जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं हैं। इट्स नॉट नेसेसरी बट जनरली SQL कीवर्ड्स आर रिटेन इन अपर केस। यह ज़रूरी नहीं है बट हम लोग SQL के कीवर्ड्स को जनरली अपर केस में लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे SQL कीवर्ड हैं जिसे हम लोग अपर केस में लिखते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, हम स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वी कैन राइट अ सिंगल SQL स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन। हम लोग SQL के एक स्टेटमेंट को चाहें तो सिंगल लाइन में ही लिखते चले जाएं या फिर हम लोग उसे ब्रेक करके मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, उससे हमारी क्वेरी में कोई एरर नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है ऑल द SQL स्टेटमेंट्स स्टार्ट विथ एनी ऑफ द कीवर्ड्स लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अलर्ट, ड्रॉप, क्रिएट, यूज, सो एंड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड विथ अ सेमी कॉलन। सारे स्टेटमेंट को हम लोग सेमी कॉलन के बेसिस पे ही जो है क्लोज करते हैं। सम डाटाबेस रिक्वायर्ड्स और सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ ईच SQL स्टेटमेंट। कुछ डाटाबेस हैं जो कि SQL स्टेटमेंट को एंड होने के बाद सेमी कॉलम को यूज करते हैं, सेमी कॉलम को लगाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि SQL स्टेटमेंट हमारा एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट है ईच SQL स्टेटमेंट आर सेपरेट विथ सेमी कॉलन when executed on some calls to the server. प्रत्येक SQL स्टेटमेंट एक 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 कॉल में एक एग्जाम्पल, सपोज एक स्टोर प्रोसीजर लिख रहे हैं तो उसमें हमारे दो से ज़्यादा SQL स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी SQL स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो हम लोग सिंगल कॉल में एक से ज़्यादा SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, उस केस में हमें प्रत्येक स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से क्लोज करना पड़ता है। ये सारे जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है, मैं लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, डॉट 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 कॉलम एन फ्रॉम टेबल नेम। सपोज अगर इम्प्लाय टेबल से इम्प्लाय नेम एंड इम्प्लाय फोन नंबर लेना है तो सेलेक्ट इम्प्लाय नेम, इम्प्लाय फोन नंबर फ्रॉम टेबल नेम इम्प्लाय। इसी तरह से अगर हमें इंसर्ट कुछ कराना हो तो इंसर्ट इंटू इम्प्लाय, इम्प्लाय नेम, फोन नंबर, वैल्यूज, जो भी वैल्यू होगा, इम्प्लाय का नाम, कोलन, इम्प्लाय के फोन नंबर जो भी होंगे वो, और फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देके सेमी कोलन से टर्मिनेट करेंगे। सेम तरीके से हम टेबल क्रिएट, टेबल, टेबल नेम, सपोज अगर इम्प्लाय है तो इम्प्लाय, कोलम नेम, सपोज अगर इम्प्लाय नेम, डेटा टाइप एन वेर केयर 50, फोन नंबर
एन वेर केयर 20 एंड हम चाहें तो उसमें प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे हम लोग SQL स्टेटमेंट जो है हम SQL में बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंटैक्स मैंने आपको यहाँ पे शो कराया है। और आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियोज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।